हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडवर्टेनमेंट हब में। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, वह घोड़े बेचकर सो रहा होगा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है ही इज हैविंग ए साउंड स्लीप। तो आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, तू मेरा पक्का वाला दोस्त है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आज का हमारा है तीसरा क्वेश्चन, तुम कब सुधरोगे। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है व्हेन विल यू मेंड योर वेज। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, मैं तुम्हारे भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग। तो आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है देयर इज समथिंग ऑन योर फेस। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडवर्टेनमेंट हब में। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, मैं भीग चुका हूँ। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई हैव ड्रेंच्ड। तो आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, वह ऊंचा सुनता है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो आज का हमारा है तीसरा क्वेश्चन, ये फोन मुझे बहुत महंगा पड़ा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है दिस फोन कॉस्ट मी लाइक ए बॉम्ब। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, अंग्रेजी सीखने में टाइम लगता है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो आज का हमारा है पांचवा क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा छठा क्वेश्चन, हमने पूरी कोशिश की। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है वी ट्राइड आवर बेस्ट। तो आज का हमारा है सातवां क्वेश्चन, आजकल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब नाउ डेज। तो आज का हमारा है आठवां क्वेश्चन, तुझ में रब दिखता है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई सी गॉड इन यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेरी उससे बात हुई। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है आई हैड ए टॉक विथ हिम। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैं आज शाम को आपसे मिलूंगा। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं।
तो इसका जवाब है आई विल सी यू दिस इवनिंग। तो ये थे आज के हमारे 10 डेली यूजेज इंग्लिश सेंटेंस। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।